2021, एक नया साल और एक नई हिमालयन यात्रा। इस बार हमारा ट्रैक गंगोत्री से चालू होने वाला था। हम लोग थलेसागर पर्वत के निकट केदारताल जा रहे थे। मैं गाजियाबाद से दोपहर को निकला और विजय को हरिद्वार में शांतिगुंज के करीब रात के 8 बजे पिक करते हुए चंबा की तरफ बढ़ गया। रात हो जाने के कारण रास्ते में खाने पीने की दुकानें बंद हो चुकी थी। किस्मत से एक छोटा सा ढाबा खुला मिल गया, जहां हमें जो मिला वो हमने खा लिया। हम वह रात ऊंचाई पर बिताना चाहते थे, इसलिए हम लोग चंबा की तरफ बढ़ गए, जो कि लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर है। अगले दिन हम लोगों को उत्तरकाशी होते हुए गंगोत्री जाना था। रास्ते में कई जगहों पर हम लोग पहाड़ों की खूबसूरती को निहारने के लिए रुक जाते थे। जैसे कि पिछले कई वर्षों से हो रहा है, इस बार भी मौसम वैसा साफ नहीं था जैसा कि हम लोग अक्टूबर के महीने में उम्मीद करते हैं। मानसून के महीने की तरह आसपास काफी बादल थे। उत्तरकाशी को पार करके हम लोग कुछ देर मनेरी डैम के पास रुक गए। बहुत कठिन है ऐसे स्थानों में रुके बगैर आगे बढ़ना। करीब 1 घंटा रुकने के बाद हम लोग आगे गंगोत्री की तरफ बढ़ गए।
क्योंकि पिछले कई दिनों से बारिश हो रही थी, रास्ते में कई स्थानों में बरसाती झरने दिख रहे थे और दिख रही थी बेढंगे तरीके से बिछाई बिजली की तारें। हम लोग रुक रुक कर नज़ारों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे क्योंकि कोई खास जल्दी नहीं थी। वह रात तो हमें गंगोत्री में ही बितानी थी जो कि उस स्थान से कोई 2.5 से 3 घंटे का ही रास्ता था। जहाँ तहाँ रुककर हम लोग वहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते थे और जैसा कि उत्तर भारत में होता ही है कि लोग सरकार और उसकी व्यवस्था के बारे में बहुत दिलचस्पी लेकर बात करते हैं। इसमें जब उत्तराखंड राज्य बना, अभी तो बनाई है, इसकी जो राजनीति इसको हाईलाइट नहीं कर पाए, इसमें राजनीति का हाथ रहे तो इसको हाईलाइट हो सकता है। ये राजनीति के तहत अपने कोल्ड स्टोर बना हुआ, इस साल खोला नहीं हो सरकार ने, इस साल पीछे धकेल दिया उसको, अभी खोल रहा जब सेब नहीं है, उससे भी इसके मार्केट तो यहाँ का सबसे बड़ा सेब होता है जो कोल्ड स्टोर के लिए होता है, इसकी पक्का सेब है ना, ये हाइट का सेब है, ये कोल्ड स्टोर पर इसकी उम्र है। यहाँ से दिल्ली जाता होगा, ये भी जाता है, स्पोर्ट होता है। हम तो 10 लोगों को और को पाल सकते हैं, इतनी जमीन है हमारे पास, वहाँ पर है क्या सरकार के साथ में पब्लिक फिर देखो, मैं ऐसे कई चीज़ से मुक्ति देती हूँ। शाम के कोई 5 बजे के आसपास हम लोग गंगोत्री पहुंच गए। एक होटल में कमरा लेने के बाद हम लोग मंदिर दर्शन करने निकल गए। मेरे उम्मीदों के विपरीत इस मौसम में भी भीड़ बहुत अधिक थी। हिमालय क्षेत्र का फैलाव निश्चित ही बहुत विशाल है, परंतु वह भारत के 1.5 अरब की आबादी के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रीतम, जिसकी टीम हमें इस ट्रैक पर ले जाने वाली थी, उससे मेरी मुलाकात मनेरी डैम के पास ही हो गई थी और वो लोग हमें अगले दिन सुबह सीधा गंगोत्री में ही मिलने वाले थे। अब तो बस कुछ आराम करना था ताकि अगले दिन हम लोग समय पर ट्रैक चालू कर पाए। साफ मौसम और चटकदार धूप के साथ अगले दिन की शुरुआत हुई। प्लानिंग के मुताबिक सुबह सुबह कृतम और उसके साथी गंगोत्री पहुंच गए थे। हम लोगों ने पहले से ही अपना सामान थोड़ा बहुत अलग कर लिया था ताकि उन्हें आगे ट्रैक के लिए पैक करने में ज़्यादा समय ना लगे। तक वे लोग सामान पैक कर रहे थे, हम लोगों ने कुछ नाश्ता कर लिया और थोड़ी जलेबी रास्ते के लिए पैक करवा ली। करीब 10 बजे तक हमारा सामान
पैक हो गया और हम लोग चलने के लिए तैयार हो गए। आज हमें हमारे पहले पड़ाव तक पहुंचना था जिसका नाम था भूत खड़क। गंगोत्री से निकलने से पहले विजय ने कुछ पारंपरिक पूजा अर्चना की और फिर हम लोगों ने प्रसाद खाया। कितन के अलावा हमारे साथ तीन और लोग थे, मनोहर, मुकेश और सूरज। ज़्यादातर ट्रैक्स में पहले दिन की चढ़ाई बहुत अधिक होती है। मुझे बताया गया था कि इस ट्रैक में भी ऐसा ही है। गंगोत्री जो कि लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर है से चलकर आज हमें 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भोज खड़क पहुंचना था। गंगोत्री से वहां की दूरी लगभग 9 किलोमीटर है। पहले दिन की चढ़ाई इसलिए भी और कठिन लगती है क्योंकि हमारे हाथ पैर पूरी तरह से खुले नहीं होते और उस पर हम लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि हम लोग कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में कुछ दिन समय बिताएं, जिससे हमारा शरीर अभ्यस्त हो सके। हमें तो बस गाड़ियों से उतरकर सीधा ट्रैक चालू कर देना होता है जिससे कि हम लोग कम से कम समय में ट्रैक पूरा कर सकें। इस कारण पहले कुछ किलोमीटर तक तो जैसे पैर ही नहीं उठते, पर मंजिल पर पहुंचने की खुशी, एक उपलब्धि का एहसास, वहां का दृश्य, खूबसूरती, वहां की हवा की खुशबू, पूरा का पूरा माहौल हमारे शरीर में जैसे जान डाल देता है और हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। वहां ऊपर से हमें सामने वह घाटी नजर आई जिससे यात्रीगण चीरवासा, भोजवासा और फिर गोमुख की तरफ जाते हैं। प्रीतम से मेरी मुलाकात पहली बार 2015 में गोमुख के ऊपर तपोवन में हुई थी, जहां वो अपने साथी राजेश के साथ मौनी बाबा के आश्रम में रुका था। उसने बताया था कि वह दोनों भागीरथी, केदारडोम और सतुपन जैसे पर्वतों पर दूसरे पर्वतारोहियों को पहुंचने के लिए रस्सी बिछाते हैं। मैंने तभी मन मना लिया था कि मैं एक ट्रैक तो इनके साथ अवश्य ही करूंगा, और अब हम वो ट्रैक कर रहे थे। रास्ते में बहुत ही घने देवदार के जंगल थे जिनमें कहीं कहीं चीड़ के पेड़ भी नजर आ जाते थे और हर तरफ से नदी के तेज बहाव का शोर सुनाई दे रहा था। यह नदी केदार गंगा है जो कि केदार बमक नाम के ग्लेशियर से निकलती है और हम लोग उसी ग्लेशियर की तरफ बढ़ रहे थे।
यह चट्टान वह आखिरी जगह थी जहां मोबाइल का सिग्नल आ रहा था। अलग अलग समय में मोबाइल सिग्नल्स की स्थिति बदलती रहती है, इसलिए हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को किसी और के तजुर्बे से सेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं। अब भोजपत्र के वृक्ष दिखने लगे थे। मुझे बताया गया कि आगे और भी मिलेंगे। चूंकि हम लोग ठीक ठाक गति से चल रहे थे, हमारे पास इतना समय था कि हम लोग रुक रुक कर सुस्ताते हुए और आसपास के दृश्यों का आनंद लेते हुए आगे बढ़े। इसी ऊंचे पर्वत के नीचे गंगोत्री है, जिसे अब हम लोग देख नहीं पा रहे थे। हम जैसे लोग सिर्फ वहाँ के लोकल और नेपाली लोगों के मेहनत के कारण ही इस तरह की यात्रा कर पाते हैं। हम लोग भले ही उन्हें इस काम के लिए पैसे देते हों, पर हर चीज़ की कीमत पैसों में नहीं आंकी जा सकती। अक्टूबर में अगर मौसम साफ रहे तो ट्रैक करने में गजब का आनंद आता है। लगता है जैसे प्रकृति होली खेल रही हो, हर तरफ रंग बिरंगी छटाएं नजर आती हैं। गोमे की यात्रा, जो कि इसी के बगल वाली घाटी में होती है, वहाँ हम लोग नदी के बाईं तरफ चलते हैं। केदारताल के ट्रैक में हम लोग नदी के दाएं तरफ रहते हैं। इस ट्रैक में स्पाइडर नाम का एक चट्टान है, जिसे पार करना काफी कठिन माना जाता है। स्पाइडर हमें आज ही मिलने वाला था। मैंने उसकी वीडियो देखी थी। हमारे पास रस्सी थी, इसलिए हमारा प्लान था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। सूरज, जो नेपाल का रहने वाला था, काफ़ी मजाकिया व्यक्ति था। उसने पेशकश की कि आज शाम को वह हम सबको नेपाली चटनी खिलाएगा। नेपाली चटनी ये होता है ना, थोड़ा वो आग में वो टमाटर भुना, उसके बाद थोड़ा लाल मिर्च जलाया, उसके बाद सिलौट में पीसा, उसके बाद थोड़ा रोटियों के साथ खा दिया। और चटनी आपको ज़्यादा मिलेगी।
क्योंकि आप जब तीखे वाले हो ना। हमें गंगोत्री से चले हुए कोई 3.5 घंटे हो गए थे। करीब करीब आधा रास्ता तय हो गया था, इसलिए हम लोग कुछ खाने पीने के लिए रुक गए। चॉकलेट है भाई साहब, सेब भी है। सेब दिख रहा है यहाँ से, हर्षिल के सेब है। हर्षिल भाई, नेपाली चटनी कैसी बनती है भाई? नेपाली चटनी शाम को स्टोव जलाएंगे और टमाटर भुनेंगे, थोड़ा लाल मिर्ची भी उसको थोड़ा जलाएंगे 4-5। तब उसके बाद एक पतला सा पत्थर लेंगे, अब उसमें नमक डालेंगे, तब थोड़ा धनिया डालेंगे, तब उसके बाद बारीक पीसेंगे। करीब आधे घंटे के बाद हम लोग आगे बढ़ चले। कितम ने बताया कि स्पाइडर अब थोड़ी ही देर में आ जाएगा। घबराहट से कहीं ज़्यादा उसे देखने की उत्सुकता थी, क्योंकि केदारताल ट्रैक की बात लोग स्पाइडर से ही चालू करते हैं। चीर और देवधर के वृक्ष अब बिल्कुल खत्म से हो गए थे। जंगल अब पूरी तरह से भोजपत्र के पेड़ों से भर गया था, और अब सामने देखकर यह भी नजर आने लगा था कि जंगल कुछ ही दूर में खत्म हो जाएंगे। कोई 15 से 20 मिनट के बाद ही मैंने देखा कि कृतम रुककर एक स्थान पर मेरा इंतज़ार कर रहा था। तो यह था स्पाइडर, कोई 6 से 8 मीटर की चौड़ाई थी उसकी। पहले मैंने सोचा था कि अगर उसे पार करना कठिन हुआ तो हम लोग उसे उसके नीचे या ऊपर से पार कर लेंगे, पर वहां देखकर यह लगा कि वह संभव नहीं था। स्पाइडर और उसे पार करने की कठिनाई के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। हम लोग अब आगे बढ़ने लगे। हमें अब कोई 1 किलोमीटर और आगे जाना था, और दूर में थले सागर पर्वत नजर आने लगा था। एक झरने के दूसरी तरफ टिन शेड नजर आया, वही था भोज खड़क। बस हमें थोड़ा नीचे उतरकर उस आखिरी झरने को पार करना था और फिर थोड़ा ऊपर चढ़ना था।
वहाँ पर पहले से ही एक बड़ा टिन शेड था जो हमें दूर से ही नज़र आ गया था। बाहर से भले ही वह टूटा फूटा लग रहा हो, अंदर से ठीक ठाक ही था, इसलिए कृतम और उसके साथी उसमें चले गए और हमारे लिए एक टेंट बिछा लिया गया। शाम को कोई 4:30 बज गए थे। हमें रुक रुक कर आराम से वहाँ पहुँचने में करीब 7 घंटे लग गए, पर चढ़ाई किसी भी मायने में हमें उतनी नहीं लगी जितना कि हमें पहले बताया गया था। हमारे ठीक नीचे केदारगंगा नदी बह रही थी जिसके बहने का तेज शोर सुनाई दे रहा था और चारों तरफ थे ऊंचे ऊंचे पहाड़। यह जगह उतनी खुली नहीं थी जितना मैंने इस स्थान के बारे में पहले सोचा था। समय रहते पहुंच जाने का फायदा यह था कि आसपास के दृश्यों को हम खुली रोशनी में देख पा रहे थे, नहीं तो अक्सर हम लोग अपने गंतव्य स्थान पर रात को ही पहुंचते हैं जिससे अगले दिन सुबह से पहले यह पता ही नहीं चलता कि हमारे आसपास का लैंडस्केप कैसा है। हमें कुछ और पोर्टर्स नज़र आए जो कि इंडिया हाइक्स नाम की एक बहुत ही मशहूर कंपनी के लिए सामान लेकर जा रहे थे। उनकी एक टीम कल आने वाली थी। उन्होंने अपने रुकने का इंतज़ाम हमसे कोई 1 किलोमीटर आगे किया हुआ था। अंधेरा होने पर मनोहर ने बगल में ही पड़ी कुछ लकड़ियों से थोड़ी सी आग जला दी। मुकेश, कितने बजे बनाओगे? 7 बजे देंगे सर। लगा दिया था आटा? रोटी अभी मत लगा, बटर लगाना रोटियों पे। रुक जा, पौने सात सूखी। कुछ चाय की चुस्कियों के साथ हमने गपशप की, एक दूसरे को ज़्यादा समझने की कोशिश की और फिर अगले दिन की थोड़ी प्लानिंग भी कर ली। तो हम भी जा रहे हैं अंदर, ये लास्ट है। हाँ लास्ट ही है। सोते हैं आराम से, उठेंगे यहाँ पे कीर्तन। हम बैठे इधर 6:30-7 बजे देंगे चाय। नहीं और फिर हम लोग खाना खाकर सो गए। अगले दिन सुबह हम लोग करीब 6 बजे उठ गए। हल्के हल्के बादल थे पर वह तेजी से हटने लगे थे। नाश्ते में बहुत ही स्वादिष्ट मीठी दलिया बनी थी। इस सुहावने वातावरण में बर्फीली चोटियों को निहारते हुए हम लोग नाश्ता करने लगे क्योंकि हम लोग जल्दी से जल्दी अब आगे बढ़ जाना चाहते थे। हमेशा की तरह सुबह की रोशनी में अब वही जगह ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। पर्वतों पर पता नहीं क्यों शाम उतनी बढ़िया नहीं लगती जितनी सुबह लगती है। Thank you.
जब तक सामान पैक होता मैंने अपनी सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बैटरीज को चार्जिंग पर लगा दिया। पहाड़ों में हवा साफ होने के कारण सूरज की रोशनी तेज आती है, इसलिए सोलर पैनल्स बहुत बढ़िया काम करते हैं। स्लीपिंग बैग को पैक करके दोबारा उसे कवर में डालना आसान नहीं होता, यह करना हर किसी के बस की बात नहीं। महाभारत काल में धनुर्धर अर्जुन ने भले ही महाराज द्रुपद के दरबार में घूमती मछली की आंख में उसकी परछाई देखकर ही निशाना साध लिया होगा, पर क्या वह किसी स्लीपिंग बैग को पैक करके उसे उसके कवर में डालने का सामर्थ्य रखते थे? मुझे संदेह है। करीब 8 बजे तक मैं और विजय आगे बढ़ गए। हमारे साथ कृतम आ गया, बाकी लोग रुक गए। वह लोग सामान को ढंग से पैक करके बाद में आने वाले थे। सुबह जब नींद खुली थी तब बादल थे। मौसम भविष्यवाणी के हिसाब से आज और कल बादलों के रहने की संभावना थी, जिस कारण नीले आसमान को देखकर मैं काफी खुश था। यह तो एक हिसाब से बोनस था। कुल मिलाकर ट्रैकिंग के लिए एक काफी अच्छा मौसम था। भोज खड़क से निकलते ही कोई 300 मीटर का एक ऐसा इलाका आया जहां सिर्फ फूलों की झाड़ियां थी। पता नहीं इन फूलों को क्या कहते हैं, पर कोई 10 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर ये फूल अक्सर पाए जाते हैं। इन्हें मैंने करीब करीब अपने हर ट्रैक में देखा है। सतोपंत के ट्रैक में लक्ष्मीवन में यही फूल थे। श्रीखंड कैलाश में भी काली टॉप से भीमद्वारी के बीच जो फूलों की घाटी पड़ी थी वहां भी यही फूल थे। आज हमें केदार खड़क नाम के स्थान पर जाना था, जो कि भोज खड़क से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। चूंकि दूरी ज्यादा नहीं थी, हम लोग आराम आराम से चारों तरफ के नजारों का आनंद लेते हुए चल रहे थे। अब आखिर के कुछ वृक्ष बचे थे, पर उनमें गजब की खूबसूरती थी। चमकदार रंग बिरंगे पत्ते, उन पर चटकदार धूप, ठंडी ठंडी हवा, नीला आसमान और पीछे बर्फ से ढके पहाड़ और बिल्कुल अलग सा दिखता थले सागर पर्वत। मनोहर और साथी भी अब पहुंच गए थे। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह लोग इतनी जल्दी सामान पैक करके पहुंच जाएंगे, और फिर अचानक चालू हो गई बारिश। चार लोग सामने मिले नहीं कि हो गई चालू मेरे ज्ञान की बारिश। विजय को तो अब तक इसकी आदत हो चुकी थी और वह इस तरह की बारिश से पहले ही अपनी छतरी खोल लेते हैं, पर मनोहर इस जानकारी के अभाव से मेरे ज्ञान के सैलाब में जैसे बह जा रहा था। कुछ देर बैठने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए। अब थले सागर पर्वत इस लैंडस्केप को डोमिनेट करने लगा था। उसके बाई तरफ के पर्वत का नाम मुझे भृगुपंथ बताया गया। मनोहर और सभी साथी भी काफी रिलैक्स लग रहे थे। इसे कई कारण थे।
एक तो आज ज़्यादा दूर नहीं जाना था, फिर मौसम अच्छा था, हम लोग समय पर निकल गए थे, और फिर अब तक मनोहर मेरे ज्ञान के प्रकाश से विभोर भी हो चुका था। रास्ते में कुछ एक ऐसे पॉइंट्स आए जहां अकेले निकलना तो आसान था, पर सामान के साथ दिक्कत हो सकती थी। पर्वतों में ट्रैकिंग हमेशा एक टीम एफर्ट होता है, हर कोई अपना काम तो करता ही है, उसे दूसरों को सपोर्ट भी करना होता है। यह बात बताना भी आवश्यक है कि समस्या वजन से ज्यादा सामान के फैलाव से आती है, उसके वॉल्यूम से। कितना नाजुक है यहाँ का पर्यावरण, यह इन पर्वतों की दशा को देखकर साफ पता चलता है। सामने वाली पहाड़ी पर हमें भरालों का एक झुंड देखा। मैं उसकी उम्मीद कर रहा था क्योंकि गंगोत्री के आसपास के इलाकों में भराल बहुत मिलते हैं। गोमुख, जो कि सामने वाली पहाड़ी के पीछे की तरफ ही है, उधर भी हमें यह काफ़ी अधिक दिखे थे। एक और बात देखी मैंने, लैंडस्लाइड्स। हिमालय के दूसरे इलाकों की तुलना में इधर कहीं अधिक है। ठीक यही दशा मैंने गोमुख के ट्रैक में भी देखी थी। बड़े बड़े घास के मैदान नदी के दोनों तरफ ही ढह गए थे। हिमालय पर्वत की श्रृंखला, जो कि अभी तक ढंग से ठोस नहीं हुई है, उसका असर यहाँ साफ दिखता है।
एक स्थान पर कृतम मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे पहले लगा कि कहीं मैं ज़्यादा पीछे न रह जाऊं, वो रुक गया था। पर उसके रुकने का कारण था आगे एक खतरनाक सेक्शन से मुझे सावधान करना। करीब आधे किलोमीटर का रास्ता एक लैंडस्लाइड जोन से पार हो रहा था, जहाँ ठीक उसके नीचे तेज बहती केदार गंगा नदी थी। पूरा रास्ता बहुत ही ढीली मिट्टी पर बना हुआ था और ऊपर की तरफ से पत्थरों के लुढ़क कर नीचे आने का खतरा था। पीछे से इंडिया हाइक्स के पोर्टर्स आ रहे थे, हम लोग भी उनके साथ ही आगे बढ़ गए। हालांकि मुझे मालूम था कि मैं उनके चलने की तेज़ गति के कारण उनके साथ ज़्यादा दूर नहीं जा पाऊँगा। इस तरह के रास्तों में वैसे चलने में तो कोई परेशानी नहीं होती है, बस यही ध्यान रखना होता है कि वहाँ कम से कम रुकना हो और ऊपर से गिरते पत्थरों पर कड़ी नज़र हो। ऐसा इसलिए कि एक छोटा सा पत्थर भी अपने साथ बहुत सारे पत्थरों को खिसका देता है और वे सारे के सारे बहुत तेज़ी से नीचे आते हैं। ऐसा ज़्यादातर जानवरों के खासकर भरालों के चलने के कारण होता है। विजय मनोहर के साथ हम लोगों से काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। बदकिस्मती से भरालों का एक झुंड उस वक्त हम लोगों के ऊपर से गुजर रहा था, यही बस हम नहीं चाहते थे, इस कारण हम लोग काफ़ी सतर्क हो गए। संभल संभल कर इस रास्ते को पार करने में हमें करीब आधा घंटा लग गया। दोपहर के कोई एक बज गए थे। हम लोग भोजखड़क से करीब 8 बजे के आसपास निकले थे। हमने अब तक कोई 3 या 3.5 किलोमीटर ही पार किया था। इतना समय लगा रुक रुक कर आसपास के नज़ारों को निहारने में, पर अगर यह नज़ारा ही नहीं देखा तो फिर क्या देखा। भारोला का झुंड हमारे साथ साथ ही ऊपर की तरफ चल रहा था। इसके 3 फायदे थे। एक तो यह कि इतने बड़े झुंड को आसपास देखना एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। दूसरा, अकेलेपन का एहसास नहीं होता, लगता है कि आसपास भी कोई है। और तीसरा, यह उम्मीद बनी रहती है कि आसपास इनका पीछा करते हुए कोई स्नो लेपर्ड नज़र आ रहा है। अब कोई 1 किलोमीटर के करीब ही आगे जाना था, इस कारण एक अच्छे से स्थान को देखकर हम लोग कुछ खाने पीने लगे। कुछ बैठकर सुस्ताने का समय भी मिल गया और आसपास के नज़ारों के तो क्या कहने।
कोई आधे घंटे के बाद हम लोग वहाँ से चल पड़े। बस यहाँ से दाईं तरफ थोड़ा ऊपर चढ़ना था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, आसपास के पहाड़ और भी खूबसूरत लगने लगे थे। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ऐसे भी आगे बढ़ पाना कठिन होता है, और अब जब नीले आसमान और बादलों ने मिलकर खूबसूरती को कई गुना बढ़ा दिया था, मेरी चाल इनको देखने के कारण और भी धीमी हो गई थी। बादलों का असर लैंडस्केप पर ऐसा ही होता है जैसे मसालों का खाने पर। बिना उनके लैंडस्केप थोड़ा बेस्वाद लगता है। जब वह थोड़ी मात्रा में आ जाते हैं तो एक मिस्टिकल लुक आने लगता है, परंतु जैसे वह ज़्यादा हो जाएं तो सारी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। ऊपर पहुंचकर वह मैदान नज़र आया जहां हमें आज रुकना था। यही है केदार खड़क, इस ट्रैक का बेस कैंप। पहली नज़र में मुझे ये स्थान तपोवन जैसा लगा। वहाँ की तरह ही यहाँ भी घास के मैदान थे। आकाशगंगा की तरह यहाँ भी छोटे छोटे नाले थे जिनमें ग्लेशियर का साफ पानी बह रहा था। आसपास बर्फ़ से लदे ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, और ठीक शिवलिंग की तरह ही दिखता थले सागर पर्वत। कुछ देर तक तो मैं दृश्य को देखता ही रहा। चूँकि मनोहर, मुकेश और सूरज पहले पहुंच चुके थे, उन्होंने न सिर्फ टेंट बिछा कर रखा था बल्कि मेरे सोलर पैनल्स को भी निकालकर कुछ बैटरीज को चार्जिंग पे लगा दी थी। अचानक से ठंड बढ़ गई थी। एक तो शाम हो गई थी, उस पर बहुत तेज हवा भी चलने लगी थी। बादलों को देखकर लगा कि शायद थोड़ी देर में बर्फ पड़ सकती है। मेरी पसंदीदा गरम गरम खिचड़ी तैयार थी और फिर भूख भी लग रही थी, तो बिना वक्त गवाए मैं उस पर टूट पड़ा। खा पी कर हम लोग सामान सेट करने लगे क्योंकि बर्फ पड़ने लगी थी। सूरज सामान टेंट तक पहुंचा रहा था और हम लोग उसे अंदर सेट कर रहे थे, जो कि आसान नहीं होता क्योंकि टेंट के अंदर जगह बहुत कम होती है। बाहर स्लीट गिर रही थी, छोटे छोटे बर्फ के दाने। बादल बहुत घने नहीं थे, पर हम लोग गंगोत्री की तरफ से उठते और हमारी तरफ आते बादल देख रहे थे, जिससे बर्फ अधिक पड़ने की संभावना बढ़ रही थी। मनोहर अपना हेड कुक था, वह और सारे साथी रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। विजय भाई साहब इस मौके को अपने मोबाइल में कैद करने में लग गए। उम्मीद के मुताबिक अब स्लीट बर्फ में तब्दील हो गई थी, जिस कारण हम लोग टेंट के अंदर वापस आ गए और फुर्सत से रेडियो पर गाने सुनने लगे।
बादल तुरंत ही छट गए और मौसम खुल गया। शाम के ढलते सूरज की रोशनी अब बर्फीले पर्वतों पर पड़ने लगी थी। कुछ देर बाद अंधेरा हो गया। हम लोग अब गरम गरम उबले आलू को नमक के साथ खाते हुए मोबाइल पर कुछ वीडियो देखकर मनोरंजन करने लगे और फिर बहुत ही बढ़िया खाना खाकर सो गए। अगले दिन सुबह उम्मीद के मुताबिक खुला मौसम मिला। चटकदार धूप चारों तरफ फैली हुई थी। रात में काफी फ्रॉस्ट पड़ी थी जिस कारण पूरा इलाका सफेद हो गया था। सुबह के वक्त उगते सूरज की रोशनी इन ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चोटियों पर बहुत खूबसूरत लगती है। मैं और विजय इसी दृश्य का आनंद उठा रहे थे। ठंड तो थी पर हिमालय में अगर ठंड ना हो तो फिर मजा ही क्या है। हमारे सामने की तरफ पर कुछ पाएं भृगुपंत पर्वत था, उसके साथ थले सागर और दाहिनी तरफ जोगिनी पर्वत जोगिनी टू। कल जिस भरालों के झुंड को हमने अपने साथ देखा था वो हमें अपने सामने थोड़ी दूर ऊंचाई पर नजर आ गया। चाय की चुस्कियों के साथ हम लोग उन भरालों के मूवमेंट को फॉलो कर रहे थे और हमारे बैकग्राउंड में आ रही थी कैरोसिन स्टोव की आवाज, जिसे सुनकर ही गर्माहट आ जाती है। भृगुपंत के पीछे का हिस्सा मेरू पर्वत से जुड़ा हुआ है। यह वही मेरू पर्वत है जो तपोवन से नजर आता है। और थले सागर के बारे में मैं क्या कहूँ, इसकी खूबसूरती से ही खिंचा हुआ मैं यह ट्रैक करने आया था। पिछले और ट्रैक्स की तरह इस बार हमने कोई खास जल्दी नहीं की क्योंकि आज हमें कोई 3 किलोमीटर के करीब ही आगे जाना था। कोई 8 बजे के आसपास हम लोग केदारताल के लिए चल पड़े। मेरे और विजय के साथ थे मुकेश और कृतम। सूरज और मनोहर वहीं रुक गए थे। हमारे साथ साथ दाहिनी तरफ एक साफ पानी का नाला था और उसके पीछे था जोगिनी पर्वत। कृतम ने उसे जोगिनी टू के नाम से मुझे बताया था।
आज सुबह जो भरालों का झुंड दिखा था, मुझे लगा था कि वह हमें यहाँ भी नज़र आएगा, क्योंकि वह सारे भराल इसी तरफ गए थे, पर वह हमें दिखे नहीं। धूप बहुत बढ़िया थी, ठंड काफ़ी थी, पर ऐसे मौसम में ही ट्रैकिंग में ज़्यादा मज़ा आता है। नीचे गंगोत्री की तरफ मौसम साफ दिख रहा था, पर जिस तरफ हम जा रहे थे उधर सुबह सुबह ही बादल तेज़ी से उठने लगे थे। मुझे बताया गया था कि कोई आधा किलोमीटर और आगे बढ़ने पर सारी पीक्स बिल्कुल हमारे सामने दिखेंगी। जिस तेज़ी से बादल उठ रहे थे, लगा कि कोई एक घंटे में ही सारा मौसम ढक जाएगा, इसलिए हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। विजय हर बार की तरह आगे आगे चल रहे थे। हम लोग कोई 14 या 15 हज़ार फीट के आसपास चल रहे थे, पर कोई खास थकान नहीं हो रही थी। रास्ता भी बिल्कुल साफ साफ बना हुआ था। खबर पक्की थी, उस ऊंचाई पर पहुंचने से पहले ही मुझे पीक्स नज़र आने लगी थी, और जब वहां पहुंचे तो लगा कि हमारा वहां आना सार्थक हो गया। बाएं से दाएं ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पर्वत, और हमारे सामने था थले सागर, जो अब और भी पास दिख रहा था। उस तरह मौसम कितना शानदार हो गया भाई साहब, गंगोत्री में देखे किसी को नहीं लगेगा कि हमें बादल किया। ये खबर लोग उधर से आ गए ना जहाँ जा रस्ते मिल गया तो अच्छा है ना। हम तो जैसे भूल ही गए कि हमें आगे ताल पर भी जाना है, बस वहाँ रुक रुक कर नज़ारों का आनंद लेते रहे। ये सिर्फ मुरैना है ना भाई साहब, या इसके नीचे ग्लेशियर भी है? आगे है सर के लिए सर एक जगह, ये यहाँ पे है। हाँ है, चलो क्रेवास दिखेगा? क्रेवास नहीं सर, फिर क्या है? मुरैना का इलाका होने के बावजूद पगडंडी साफ साफ बनी हुई थी। आखिर के दिन की चढ़ाई में जब तक कोई ग्लेशियर पार न करना हो, या फिर बगल में बड़े बड़े क्रेवास न दिखे, तो ट्रैकिंग का जैसे मजा ही नहीं आता।
अब तक मुझे यह रास्ता आसान लग रहा था। वैसे कोई भी ट्रैक रूट आसान या मुश्किल वक्त के हिसाब से होता है। जैसे अगर यहाँ बर्फ पड़ जाए तो यह रूट कई गुना मुश्किल हो जाएगा, या फिर तेज़ बारिश हो जाए तो फिसलन तो हो ही जाएगी, पर उससे ज़्यादा ऊपर से पत्थरों के गिरने का खतरा भी बहुत बढ़ जाएगा। फिर हमारा शरीर भी एक ही स्थान पर अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे आज मैं यहाँ आसानी से आ गया, पर हो सकता है कि कल मेरा शरीर जवाब दे जाए। इसलिए किसी भी ट्रैक को आसान या मुश्किल घोषित करना बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। मेरा ऐसा अनुमान था कि आगे चलकर बाएं तरफ मुझे केदार बमक ग्लेशियर दिखेगा, जहाँ से केदार गंगा नदी निकलती है। और फिर अब हमें वहाँ से वह पॉइंट भी नज़र आ गया जिसके नीचे केदार ताल है। यहाँ से कोई आधे किलोमीटर के बाद हमें बाएं तरफ ऊपर की ओर चढ़ना था और हमें वहाँ से केदार बमक ग्लेशियर नज़र आ जाता। और जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। केदार बमक ग्लेशियर हमारे सामने था, बड़ा और बहुत ही विशाल ग्लेशियर। इसी से निकलती है केदार गंगा नदी, जिसके साथ साथ हम लोग गंगोत्री से केदार खड़क तक आए थे। प्रीतम ने जानकारी दी कि केदारगंगा नदी में पानी तीन ग्लेशियर से आता है, भृगुपंत, थले सागर और मेरु। एक हिसाब से मैं खुशकिस्मत था कि बादलों के बीच भी मुझे ये सारे पहाड़ अभी भी नजर आ रहे थे, नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि ये सारे ढक जाते, जिससे मेरा पूरा ट्रिप खराब हो जाता। कोई 10 से 15 मिनट रुककर मुकेश और प्रीतम केदारताल की तरफ नीचे उतरने लगे, जो कि वहां से कोई 100 मीटर के करीब ही था। और पहली बार नजर आया केदारताल, तीनों तरफ से विशाल पहाड़ों से घिरा केदारताल। मैं कुछ और देर तक ऊपर रुककर ग्लेशियर को देखता रहा और करीब 15 मिनट के बाद ताल के पास पहुंचा। एकदम कंचन जल, जो बादलों की वजह से कभी कभी फीका दिखता था, पर जैसे ही कुछ देर के लिए आसमान नीला होता था
तो उसका पानी भी नीला दिखने लगता था। विजय कुछ पूजा अर्चना करने की तैयारी कर रहे थे। वहीं कृतम ने भी लोकल मान्यताओं को मानते हुए अगरबत्ती जलाई। उसने मुझे बताया कि यह ऐसी मान्यता है कि इस ताल के द्वारा भगवान शिव भागीरथी नदी के पवित्र जल में अपनी तरफ से योगदान देते हैं, इसीलिए इस ताल को केदार ताल कहते हैं। दूसरे भाई साहब अंदर पानी में जा रहे हैं। मैं शांति से जल के स्रोत के बारे में सोच रहा था। देखकर ऐसा नहीं लगा कि इसमें पानी बगल के ग्लेशियर से आता होगा, क्योंकि यह उससे थोड़ा ऊपर था। मेरे विचार में इसमें पानी या तो बारिश से या फिर आसपास बर्फ के पिघलने से आता होगा। लंबाई की अगर बात करें तो उस वक्त झील में पानी थोड़ा कम था, फिर भी इसकी लंबाई कोई 1 किलोमीटर होगी और चौड़ाई कोई 400 मीटर। थलेसागर पर्वत जो हमारे सामने था उसकी ऊंचाई 6,900 मीटर के आसपास है। पहली बार एक अमेरिकन और ब्रिटिश टीम 1979 में इसके ऊपर चढ़ी थी। पहली भारतीय टीम इस पर 2008 में चढ़ी थी और पहली भारतीय महिला 2012 में। यहाँ हर किसी ने इस पवित्र जल की पूजा की थी और मैंने अभी तक उसे छुआ भी नहीं था, तो सोचा कि मैं भी कुछ छींटे अपने ऊपर मार लूँ। अगर सच कहूँ तो मैं आसपास के इन नज़ारों से ही इतना खुश था कि मेरा ध्यान झील की तरफ ज़्यादा गया ही नहीं। हमें वहाँ पहुँचे कोई 1 घंटा हो गया था। सुबह चूँकि हम लोग सिर्फ चाय पीकर चले थे तो कुछ भूख लग गई थी। पैक लंच हम साथ लेकर आए थे तो आसपास के दृश्यों का आनंद लेते हुए हम लोग लंच करने लगे। मौसम का रंग बदलता रहता था, कभी हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगती थी तो कभी धूप निकल आती थी। अब ऐसे जगहों पर कुछ सेल्फीज नहीं लेते तब तो यह इस खूबसूरत स्थान की बेइज्जती थी, और वो हम लोग भला कैसे होने देते। हम लोग अब कुछ देर में वापस जाने वाले थे, इसलिए कुछ तस्वीरें खिंचवाने लगे। आसपास के बर्फ के कारण बादलों के बीच में हम सबको गॉगल्स लगाने की जरूरत पड़ रही थी। आसपास रोशनी ही इतनी ज्यादा थी। हम लोग वहां कोई 2 घंटे तक रुके। मन काफी प्रसन्न था। अब हमने वापस केदार खड़क की तरफ अपना रुख कर लिया। रास्ते में कुछ और लोग आते दिखे, उनका आज रात यहीं
केदारताल पर ही कैंप लगाने का प्लान था। को एक घंटे में ही हम लोग केदार खड़क पहुंच गए। वहां से नीचे गंगोत्री की तरफ मौसम अभी भी साफ दिख रहा था। मनोहर और सूरज ने हमारे लिए खाना तैयार कर रखा था, चावल, राजमा और नेपाली चटनी। हमने खाना खाना चालू ही किया था कि भरालों का एक झुंड धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। शायद यह वही भरालों का झुंड था जो पिछले दो दिनों से हमारे साथ चल रहा था। यह मेरे लिए एक नया तजुर्बा था। इतने पास से मैंने इनको पहले कभी नहीं देखा था। इससे पहले कि हमें यह एहसास होता कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही स्पेशल हैं, जिस कारण ये सारे भराल वहाँ खींचे चले आए हैं, मनोहर ने बताया कि ये सारे नमक की तलाश में मनुष्यों के पास अक्सर आ जाते हैं। सूरज ने उनके लिए कुछ नमक थोड़ी दूर पर रख दिया। अभी सिर्फ 3 ही बजे थे। उस दिन नीचे से कुछ और भी टीम्स आ गई थी। मनोहर ने राय दी कि हमारे लौटने के रास्ते में टेंट लगाने की एक बहुत अच्छी जगह है, जहां ठंड भी कम पड़ती है और वहां से थले सागर थोड़ा दूर ही सही पर पूरा ऊपर से नीचे तक नज़र आता है। हम सभी को यह बात ठीक लगी और हम लोग नीचे जाने के लिए सामान पैक करने लगे। कोई 4:30 बजे के आसपास हम लोग वहाँ से नीचे के लिए चल पड़े। अब हमें कोई 2 किलोमीटर के करीब ही जाना था। लैंडस्लाइड जोन की ही बस हमें थोड़ी बहुत चिंता थी, जिसे हमने फटाफट पार कर लिया। और फिर ऊपर भरालों का झुंड भी नहीं दिख रहा था, जिससे पत्थरों के गिरने का खतरा कम था। हम लोग कोई 1 घंटे में ही वहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से गंगोत्री तक का रास्ता भी कोई 2 किलोमीटर के करीब कम हो गया था। फटाफट टेंट वगैरह बिछा कर हम लोग आराम करने लगे। थले सागर पर पड़ती सुबह की सुनहरी धूप के साथ हमने अगले दिन की शुरुआत की।
सूरज नाचने का शौकीन था और चाहता था कि हम लोग भी उसके साथ नाचें। पर यह आंगन टेढ़ा हो या ना हो, पूरी घाटी तो टेढ़ी थी ही, जिस कारण हम लोग तो शामिल नहीं हो सके और उसे कृतम का साथ मिला। करीब 8:30 बज गए थे। कुछ हल्का नाश्ता करके हम सब लोग अपना सामान पैक करने लगे। कपड़े नहीं बदलने हैं? सब डाल दो इस बैग में। नहीं, वो तो बैग है ना, इसमें ये थोड़ा इमोशनल टाइम था, क्योंकि अब थोड़ी देर तक ही थले सागर हमें नज़र आने वाला था। कुछ तस्वीरें हमने वहाँ खिंचवाई और करीब 9 बजे के आसपास हम लोग नीचे की तरफ बढ़ चले। कुछ ही देर के बाद भोजपत्र के पेड़ हमें दोबारा दिखने लगे। उनके पीछे से थले सागर पर्वत उस साफ मौसम में और भी अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने आखिरी बार उसे मन भर कर देखा और आगे बढ़ गए। कृतम के साथ जो मेरी ट्रैक करने की इच्छा कई वर्षों से थी, वो इस बार पूरी हुई। और क्या बढ़िया ट्रैक करवाया उसने। यह ट्रैक मुझे दूसरे ट्रैक से ज़्यादा आसान शायद सिर्फ इसलिए लगा क्योंकि कृतम और मनोहर जैसे गाइड मेरे साथ थे। और फिर से आया स्पाइडर रॉक। उसके बारे में मैं बस यही कहूँगा कि इस ट्रैक में अलग अलग मौसम में यात्रियों को विचलित कर देने वाले कई स्थान आ सकते हैं, पर स्पाइडर उनमें से नहीं है। उसे पार करने के लिए तो किसी गाइड की भी आवश्यकता नहीं है। अब गंगोत्री आने वाला था। अब तक शायद ही मेरा कोई ट्रैक इतना स्मूथ गया हो। मैंने अभी अब प्लान बना लिया था कि अगर आगे मैं कभी कालिंदी खाल ट्रैक करूँगा तो वह कृतम के साथ ही करूँगा। करीब करीब 12 बजे के आसपास ही हम लोग गंगोत्री पहुँच गए और सूरज कुंड को निहारते हुए हमने अपनी यहाँ तक की यात्रा समाप्त।